विक्रम संवत 1994, सन 1937-38, स्वाध्याय मंदिर उद्घाटन वर्ष, भगवती माता पूज्य बहिन श्री चंपाबेन को पूर्व भवों का जाति स्मरण ज्ञान तो गत वर्ष लाठी नो उतारों में हुआ था, परंतु किसी से कहा नहीं। इस बात की जानकारी पूज्य गुरुदेव श्री को 7 महीने और 12 दिन बाद मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया को करती है। एक चिट्ठी में इस प्रकार का लेख लिखकर स्टार ऑफ इंडिया भेजती हैं। आपकी कृपा से आपका और हमारा स्मरण आया है। दूसरे दिन सर्वस्वदाता पूज्य गुरुदेव श्री पूज्य बहिन श्री को स्टार ऑफ इंडिया में बुलाते हैं और पूछते हैं। उत्तर में पूज्य बहिन श्री, आप पूर्व भव में राजकुमार थे, जरी के वस्त्र पहनते थे और भगवान की वाणी में आया है कि आप भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हो, इत्यादि कहती हैं। दीक्षा लेने के बाद पूज्य गुरुदेव श्री को राजकुमार के और मैं तीर्थंकर हूँ ऐसे स्वप्न तो आते ही थे, परंतु हल नहीं मिलता था, कुछ मेल नहीं बैठता था। अब इस जाति स्मरण ज्ञान की बात सुनते ही हल मिल जाता है, समाधान हो जाता है। दिव्य मूर्ति सद्गुरुदेव को अंतर में भाव जागता है, यह तो त्रिलोकनाथ ने तिलक किया, अर्थात भगवान की वाणी में मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ ऐसा आया है, तो इसके जैसा दूसरा सद्भाग्य क्या हो सकता है। मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी, गुरुदेव श्री के स्थायी निवास स्थान और प्रवचन के लिए हॉल का शिलान्यास होता है। व्यवहार के आग्रही वड़वान के नटू भाई कहते हैं, देखो समय सार की 12वीं गाथा में ऐसा कहा है कि व्यवहारी जन को अज्ञानी को व्यवहार का उपदेश करना। निश्चय व्यवहार के ज्ञाता गुरुराज उत्तर देते हैं, भाई वहाँ ऐसी बात है ही नहीं, अज्ञानी को व्यवहार का उपदेश देना ऐसा 12वीं गाथा का अर्थ ही नहीं है। उस गाथा का अर्थ ऐसा है कि ज्ञानी को पर्याय में जो कुछ शुद्धता बढ़ती है और अशुद्धता घटती है उसे जानना वह प्रयोजनवान है, अर्थात व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, इस प्रकार व्यवहार जानने योग्य है। आचार्यों ज्ञानियों के भाव समझना वह स्वानुभवी और महापात्र जीवों का काम है। माघ कृष्ण चतुर्दशी रविवार को स्वप्न आता है। एक बड़े संघ के वृंद में सतश्रुतों के रचयिता श्री कुंद कुंदाचार्य देव विराजमान हैं और स्वयं पूज्य गुरुदेव श्री उस संघ में साथ में हैं। आचार्य देव के दर्शन होने पर सहज उद्गार निकलते हैं, यह श्री कुंद कुंद महाराज भगवान होने वाले हैं, अहो कैसा भक्ति भाव भरा स्वप्न। फाल्गुन कृष्ण दशमी गुरुवार, रात्रि को क्या हुआ वह जानते हैं। स्वरूप साधक गुरुदेव श्री 9 बजे के बाद सहज स्वभाव का स्मरण करते करते सोते हैं, निद्रा आती है। लगभग 10:45 बजे एक स्वप्न आता है, उसमें ऐसा आता है कि स्वयं को सहज शुद्ध चिदानंद आत्मा का स्मरण गहराई से बारंबार आता है, फिर चिदानंद 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 ऐसी भावना और भावना में स्वयं एकदम अंतर में उतर जाते हैं और उपयोग पलटा खाता है, अर्थात मैं चैतन्य गोला भिन्न हूँ ऐसा अनुभव होता है कि जिसमें सहज रूप से आनंद स्वरूप का वेदन होता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ होता नहीं। इस प्रकार शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव होता है ऐसा स्वप्न में आता है, अहो जिसे जैसी भावना होती है उसे वैसे ही स्वप्न आते हैं ना। 10 दिन बाद फाल्गुन शुक्ल षष्ठी सोमवार, रात्रि को पिछले भाग में आए हुए स्वप्न में एक विशाल जिन मंदिर में बहुत भक्तों के साथ स्वयं प्रभु भक्ति में विराजमान हैं और वैराग्य रस में भीगकर परम शांत भाव से भक्ति कराते हैं ऐसा दिखता है। यह स्वप्न पूर्ण होने पर स्वयं जागृत होते हैं और ओम सत ऐसे मंगल उद्गार सहज निकल पड़ते हैं। धन्य है ज्ञानी की जागृत दशा या स्वप्न दशा। संसार सागर तिरने के इच्छुक भव्य जीवों के प्रकाश स्तंभ समान शासन श्रृंगार गुरुदेव श्री को 49वां वर्ष चल रहा है। अंतरंग साधना के साथ साथ बाह्य में प्रवचन
तत्व चर्चा इत्यादि कार्यक्रम नियमित होते हैं और शासन प्रभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्टार ऑफ इंडिया के निवास स्थान में सवेरे और दोपहर हो रहे शांत रस झरते अध्यात्म प्रवचन चैत्र वैशाख मास के घोरतम ताप में भी शीतलता प्रदान करते हैं। चातक समान तत्व पिपासु भव्य भक्तों के झुंड इस शांत रस का अमृत पान करने के लिए प्रतिदिन उमड़ते हैं। इस कारण वह जगह छोटी पड़ने से मुमुक्षुओं की भावनानुसार सोनगढ़ के एक एकांत निर्जन स्थान में जगह खरीदी जाती है। अब वहाँ मुमुक्षुओं के जीवन आधार कहान गुरुदेव के स्थायी निवास स्थान और प्रवचन स्वाध्याय धाम के लिए 13,000 रुपए के खर्च से 50 फीट बाय 25 फीट का हॉल तथा उसके चारों कोनों में एक एक कमरा बनाया जाता है। निस्पृह और निकांक्ष ऐसे कहान गुरुराज ने किसी को कहीं कभी कुछ नहीं कहा कि हमारे लिए मकान बनाओ। प्रत्युत आप श्री इस नए निवास स्थान के निर्माण समय में ऐसा कहते हैं, तुम यह मकान बनाते हो इसलिए मुझ पर प्रतिबंध नहीं कि इसमें ही रहना, मेरी वीतरागता बढ़ जाए तो यह मकान छोड़कर चला भी जाऊं। वाह, धन्य हो निस्पृहता को, अलिप्तता को, निरपेक्षपने को, अप्रतिबंध भावना को। तथापि भक्त भक्ति भावना से, उपकृत भावना से हॉल और चार कमरे बनवाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को विक्रम संवत 1978 में विंछिया गांव में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन ओम ध्वनि आई थी। इस कारण नूतन प्रवचन धाम के उद्घाटन का दिन भी ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी रविवार निश्चित किया जाता है और अध्यात्म योगी गुरुदेव श्री को समय सार जी के प्रति अतिशय बहुमान भक्ति होने से उसमें इस परमागम की स्थापना करने का भी निश्चित किया जाता है। ज्ञान वैराग्य पोषक पूज्य गुरुदेव श्री स्टार ऑफ इंडिया में विक्रम संवत 1991 के चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन पधारे थे। अंतिम 3 वर्ष से यहां से प्रवाहित आप श्री की वाणी का अस्खलित प्रवाह सब जीवों के अंतर में अज्ञान अंधकार दूर करके ज्ञान प्रकाश फैलाता है। पुण्य और पवित्रता के स्वामी संत पुरुष श्री गुरुदेव श्री के दर्शन करने और शास्त्र प्रवचन सुनने जो जो तत्व रसिक जीव आते हैं वे सब आप श्री के ज्ञान वैराग्य आचरण देखकर तथा सागर समान शांत गंभीर व्याख्यान सुनकर नतमस्तक हो जाते हैं और धन्यता का अनुभव करते हैं। सबको ऐसा भासित होता है कि आप श्री की वाणी में कोई जादू है। जैसे जैसे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव श्री की आप श्री की भवांतकारी मंगलमय वाणी की तथा सोनगढ़ की ख्याति चारों ओर फैलने लगती है, वैसे वैसे भक्तों का समुदाय सोनगढ़ में आने लगता है, जिसके कारण स्वाध्याय मंदिर बनाया जाता है। स्वाध्याय मंदिर के उद्घाटन के तथा जिसमें सर्वज्ञ के हृदय का मर्म अंतिम सार बताया है, जिसका रहस्य पात्र जीव हो वही समझ सकता है और जो भव समुद्र में डूबते जीवों को नौका समान है, ऐसे समय सार जी की प्रतिष्ठा के इस मंगल प्रसंग में ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी सहित बाहर गांव से 700 मुमुक्षुओं का समुदाय उल्लास पूर्वक आता है, क्योंकि यह तो पहला पहला मंगल उत्सव है ना। अज्ञान भाव में सोते होने पर भी धर्म करने का अभिमान सेवन करने वाले जीवों को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए भरत क्षेत्र में पधारे हुए पूज्य गुरुदेव श्री को लाने के लिए मुमुक्षु वृंद प्रातःकाल गाजते बाजते स्टार ऑफ इंडिया आते हैं। स्टार ऑफ इंडिया में ठीक 3 वर्ष 3 माह और 3 दिन निवास करके अब ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन स्वाध्याय मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा के नैऋत्य कोने में आए हुए कमरे में स्थायी निवास करने के लिए गुरुवर कहान विहार करते हैं। धीर गंभीर चाल से पावन कदमों से चलते चलते स्वाध्याय मंदिर की ओर पधारते हैं। साथ साथ मुमुक्षु भक्त भी आनंद उमंग पूर्वक स्तवन गीत गाते गाते चलते हैं। दूसरी ओर पूज्य बहिन श्री बेन तथा भक्त बहिने लाठी नो उतारों से
कि जहाँ वे रहती हैं वहाँ से जिनका कहान गुरु पर परम उपकार है, ऐसे भरत क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट परमागम श्री समय सारजी को चांदी की थाली में विराजमान करके बहुमान पूर्वक साथ लेकर मंगल भक्ति करते करते इस स्वागत यात्रा में जुड़ती हैं। एक अद्भुत उल्लास, उमंग, उत्साह और आनंद का वातावरण सृजित होता है। क्यों ना सृजित हो, क्योंकि परिवर्तन स्थल स्टार ऑफ इंडिया तो निर्मित था, जबकि भक्तों के हृदय सिंहासन पर विराजमान उपकारी गुरु के स्थायी स्थान का निर्माण तो भक्तों ने भावना से किया है और वहां आज गुरुराज विराजमान होने वाले हैं। दूर से स्वाध्याय मंदिर तैरते हुए जहाज जैसा लगता है, लगेगा ही ना। भव जल तरण तारण जहाज समान गुरुदेव श्री वहां विराजमान होने वाले हैं। स्वयं गुरुराज तैरते पुरुष हैं, महापुरुष हैं, स्वयं संसार समुद्र से तिरने वाले हैं और भक्तों को भी तारने वाले हैं। इसलिए आप श्री का साधना धाम भी ऐसा ही, तैरते हुए जहाज जैसा ही होगा ना। सब स्वाध्याय मंदिर में आते हैं, उद्घाटन होता है, प्रशम मूर्ति पूज्य बहिंश्री के मंगल कर कमलों से उसके गोखले में 12 अंग रूप श्रुतसागर का मंथन कर प्राप्त किया हुआ अमृत कुंभ समान ग्रंथाधिराज श्री समय सार जी स्थापित किया जाता है और शासन शिरोमणि संत पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में पाठ पर विराजमान होते हैं। भक्तों का हर्षोल्लास उछल उठता है, जय जयकार गाज उठती है और श्री कुंद कुंदाचार्य देव के उपकारों का मंगल स्मरण करने के लिए विशेष रूप से आज के दिन के लिए बनाई हुई भक्ति बहने लगती है। सुख शांति प्रदाता जगन्नाथ्राता कुंद कुंद महाराज जन भ्रांति विधाता तत्व न ज्ञाता नमन करुचुआ जड़तानु कार पार प्रभुते कर्योपकार पार प्रभुते रचिने ग्रंथ उदार रे सुख शांति प्रदाता जगन्नाथ्राता कुंद कुंद महाराज वर्षावी निज वचन सुधारस कर्यो सुशीतल लो समय सारनु पान करीने समय सारनु पान करीने गयो मानसिक शोक रे सुख शांति प्रदाता जगन्नाथ्राता कुंद कुंद महाराज तारा ग्रंथोनु मनन करीने तारा ग्रंथोनु मनन करीने पामु अलौकिक भान
समरूप क्षणे क्षणे हूँ न्यायक समरूप पामूं केवल ज्ञान रे सुख शांति प्रदाता जगन्नाथ्राता कुंद कुंद महाराज तारुहृदय प्रभु ज्ञान समतानु रयु निरंतर दान तारुहृदय प्रभु समतानु रयु निरंतर दान उपकारो विमल आदि मां उपकारो विमल आदि मां लाखो वार प्रणाम रे सुख शांति प्रदाता जगन्नाथ्राता कुंद कुंद महाराज जन भ्रांति विधाता तत्त्वो न ज्ञाता नमन करुचो नमन करुचो। Mandir is
चरिते सुवर्ण विशुद्ध छो धर्मे दुरांधर संत छो सोरे सिंहण पीद दूध छो मुक्ति वरवाने चाल्या छो योगी राज नातन धर्म न साचा छो रुशीरा धर्मा ध्वज फर के छे मोरे मंदिरे स्वाध्याय मंदिर स्थापाया आम आंगणिए सूत्रो बताव्या शास्त्र मुकेल वा मुस्केल छे अक्षर तणो संग्रह घणो पण ज्ञान पेले पार छे अंतर्गत ना पावो ने ओळखनार आत्मी वीर्य ना साचा फर के छे मोरे मंदिरे स्वाध्याय मंदिर स्थापाया आम आंगणिए स्वाध्याय मंदिर स्थापाया आम आंगणिए भक्त अंतर में भावना भाते हैं हे नाथ आप श्री हमारे धर्म पिता हो हम आप श्री के पुत्र हैं आप श्री ने स्वाध्याय प्रवचन द्वारा दिए हुए और भविष्य में भी देने वाले श्रद्धा ज्ञान आनंद रूप अमूल्य वैभव को स्वीकार करके तथा आप श्री के पावन पंथ पर पद चिन्हों पर चलकर हम भी आप श्री के जैसे होंगे आप श्री के समीप सदा रहेंगे यह विश्वास है समय सार मर्मज्ञ गुरुदेव श्री समय सार को उत्तमोत्तम शास्त्र गिनते हैं अरे उसकी बात करते हुए भी उल्लास उछल जाता है आज मंगल आशीष रूप प्रवचन में श्री समय सार की अपूर्व महिमा का अंतर के अहोभाव से वर्णन करते हैं तथा श्री कुंद कुंदाचार्य देव के अपार उपकारों का वर्णन करते हुए कुंद कुंद शासन प्रभावक संत गुरुदेव श्री एक गूढ़ संकेत भी देते हैं समय सार जी की प्रत्येक गाथा मोक्ष प्रदान करे ऐसी है भगवान कुंद कुंदाचार्य देव का हम पर बहुत उपकार है हम उनके दासानुदास हैं भगवान कुंद कुंदाचार्य देव महाविदेह क्षेत्र में सर्वज्ञ वीतराग श्री सीमंधर भगवान के समवसरण में गए थे और 8 दिन रहे थे यह बात यथा तथ्य है अक्षरशः सत्य है प्रमाण सिद्ध है उसमें लेश मात्र शंका का स्थान नहीं है कल्पना करना नहीं ना कहना नहीं यह बात ऐसी ही है मानो तो भी ऐसी ही है और ना मानो तो भी ऐसी ही है वह अक्षरशः सत्य है यह सब नजरों से देखी हुई बात है उसमें हमारी साक्षी है इस प्रकार निशंक रूप से भक्ति भीने हृदय से अंतर से कहते हैं तदुपरांत अलौकिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री पूज्य बहिन श्री को भगवती ऐसा बहुमान भरा विशेषण प्रदान करते हैं इस प्रकार अपूर्व उत्साह उमंग और भक्ति भाव से मानो की भावी में होने वाली अभूतपूर्व प्रभावना का माणिक स्तंभ रोपा जाता हो उस प्रकार यह महोत्सव मनाया जाता है मुमुक्षुओं के आगम चक्षु गुरुराज के पधारने से स्वाध्याय मंदिर चेतनवंत और जीवंत भासित होता है अभी तक प्रतिदिन जो तत्व प्रेमी मुमुक्षुओं का प्रवाह स्टार ऑफ इंडिया की तरफ प्रवाहित होता था वह अब स्वाध्याय मंदिर की ओर मुड़ता है क्योंकि अब सोनगढ़ के संत स्थायी निवास स्थान में विराजमान हुए हैं और प्रवचन धाम स्वाध्याय मंदिर में नियमित रूप से प्रातः तथा दोपहर में व्याख्यान होने लगे हैं
सोनगढ़ की इस पवित्र भूमि पर स्वाध्याय मंदिर के निर्माण से वीतराग शासन की प्रभावना में एक नए प्रकरण का प्रारंभ होता है। एक स्थानक वासी साधु प्रश्न करता है, इस आत्मा को और पुद्गल को किस प्रकार संबंध है? पुद्गल तो जड़ है ना? लो, साधु होकर भी ऐसी शंका। अद्भुत श्रुत ज्ञानधारी गुरुवर समाधान कराते हैं। ज्ञान अरूपी है तो भी रूपी घड़ी को जानता है या नहीं? घड़ी का कांटा अभी यहां है, ऐसा ज्ञान में ज्ञात हुआ या नहीं? तो जैसे अरूपी रूपी को जाने ऐसा संबंध है, वैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। यदि रूपी के साथ बिल्कुल संबंध ही न हो तो जानपना भी नहीं बन सकता। वाह, क्या दृष्टांत और सिद्धांत! इस प्रकार सुषुप्त चेतना पुरुषार्थ को जागृत कराने वाले तथा मार्ग का रहस्य समझाकर साधना की सीढ़ी बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन का एक महत्व का वर्ष विक्रम संवत 1994 का स्वाध्याय मंदिर प्रवेश वर्ष समाप्त होता है। गुरुराज के अद्भुत प्रताप को अहोनिश भक्ति से बारंबार नमस्कार।